मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, कृति खरबंदा आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और इसके बाद उन्होंने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इसके बाद कृति खरबंदा ने राज रिबूट से हिंदी फिल्म जगत में डेब्यू किया था। इस फिल्म में कृति खरबंदा एक्टर इमरान हाशमी के साथ नजर आई थी। फिल्म में कृति की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया था। इसके अलावा फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए थे। हालांकि कृति को जिस फिल्म से सबसे ज़्यादा पहचान मिली वो थी शादी में ज़रूर आना। इस फिल्म में कृति के साथ राजकुमार राव अहम किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में कृति और राजकुमार की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। वैसे कृति सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी काफ़ी जानी जाती हैं। जी हाँ, वो आए दिन अपने वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं और वो वायरल भी होते हैं। जी हाँ, खुद को फिट रखने के लिए कृति खरबंदा घंटों जिम में वर्कआउट करती नजर आती हैं। कृति खरबंदा हफ्ते में 5 से 6 दिन 1 से 1.5 घंटे तक जिम में जमकर मेहनत करती हैं और अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए वो तरह तरह के वर्कआउट करती हैं और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी शेयर करती हैं। कृति अपने वर्कआउट में हमेशा कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाती हैं ताकि वो वर्कआउट करते करते बोर ना हो। कृति खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए हमेशा जिम में ट्रेनर के अंडर ही ट्रेनिंग करती हैं। ट्रेनर ही कृति को बताते हैं कि उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए या फिर किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। आपको बता दें कि कृति को वर्कआउट के अलावा योगासन भी काफ़ी पसंद है। वो कहती हैं कि योग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिम की या फिर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती और आप किसी भी कपड़े में आराम से योग कर सकते हैं। इसीलिए मुझे योग करना काफ़ी पसंद है। इसके अलावा कृति ये भी बताती हैं कि मैं सच कहूँ तो वर्कआउट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक वक्त था जब मैं इसे नफरत करती थी, पर मुझे अपने काम की वजह से वर्कआउट करना पड़ता था। वर्कआउट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक एक्ट्रेस होने के नाते आपको एकदम फिट एंड फाइन रहना पड़ता है। लेकिन जब वर्कआउट करने के रिजल्ट मुझे दिखने लगे तो मुझे खुद ब खुद वर्कआउट करने में मज़ा आने लगा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाई तो इससे मेरे काम पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही मेरे स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। बात करें अगर कृति की डाइट की तो कृति कहती हैं कि अंदर से खुश रहने के लिए अच्छा खाना, सही खाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सकता है मैं कार्बोहाइड्रेट से दूर रहती हूँ। अपनी डाइट में मैं गेहूँ या चावल इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। गेहूँ की जगह मैं बाजरे या ज्वार की रोटी खाना पसंद करती हूँ और चावल की जगह मैं किनोवा लेना पसंद करती हूँ। इसके अलावा कृति को मीठा खाना पसंद है। हाँ, चॉकलेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि चॉकलेट खाने से उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन मिठाइयों का वो काफ़ी शौक रखती हैं, चाहे वो मिठाई इंडियन हो या फिर कॉन्टिनेंटल। वो मिठाई खाना काफ़ी पसंद करती हैं, लेकिन इस आदत को वो काफ़ी बुरा भी मानती हैं और कहती हैं कि मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मीठा खाऊं, पर ज़रा संभल कर। इसके अलावा अपनी फिटनेस के लिए कृति क्रैश डाइट भी कर चुकी हैं, पर कृति पर्सनली ये मानती हैं कि क्रैश डाइट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इसे करने से बॉडी को भारी झटका लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आपका वज़न कम भी हो जाए तब भी इसके नुकसान हो सकते हैं। लेकिन कीटो डाइट को वो काफ़ी पसंद करती हैं और इस डाइट को वो 3 महीने कर भी चुकी हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिले थे। इसके अलावा अपनी फिटनेस को लेकर कृति का कहना है कि मुझे एब्स बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और शरीर पे थोड़ा बहुत अगर फैट होता है तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे खुद को ऐसे देखकर अच्छा लगता है। बेशक मैं अपनी मसल्स थोड़ी टाइट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं मेहनत भी करती हूँ। इसके साथ ही कृति ये कहती हैं कि कई बार लोग वज़न कम करने के चक्कर में कई गलतियाँ कर देते हैं जिनका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई
बार लोग बिना सोचे समझे किसी के कहने पर भी कोई भी डाइट अपना लेते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग तरह का होता है, अलग तरह से काम करता है और सबकी डेली रूटीन बिल्कुल अलग अलग होती है। जो डाइट एक इंसान को सूट कर चुकी है, जरूरी नहीं कि वही डाइट किसी और को भी सूट कर जाए, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म अलग है और सबका जीने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए जब भी आपको वजन कम करना हो, डाइटिंग करनी हो, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलें और उन्हीं के अंडर आप डाइट प्लान बनवाएं और वर्कआउट के लिए सुझाव भी लें। तो ये था कृति खरबंदा का डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन। इन सब के अलावा कृति कोशिश करती हैं कि वो दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, साथ ही वो अपने दिन भर की डाइट में नारियल पानी, फ्रूट्स जूस और ड्राई फ्रूट्स को लेना भी नहीं भूलती। तो इन सभी बातों का ध्यान रखती हैं कृति खरबंदा अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो फिर कैसे लगी आपको कृति खरबंदा से जुड़ी ये खास जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, और देखते रहें जीवन कोश।